तारकेश्वर बाबू जहाँ कहीं भाई। हाँ तारकेश्वर बाबू आई लव यू, तारकेश्वर बाबू आई लव यू। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। अपनी और अपनी पार्टी की फजीहत कराने के बाद जदयू विधायक की अकल अब ठिकाने आ गई है। अब जदयू विधायक का प्यार उमड़ने लगा है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर के जदयू विधायक ने एक टिप्पणी कर दिया था, जिसके बाद जदयू और बीजेपी की ही आपस में ठन गई थी। हालांकि जदयू अपने तरफ से उस बयान को खारिज कर चुकी थी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान भी दिया था कि उन पर पार्टी के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा, पार्टी कार्यवाही जरूर करेगी, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई एक्शन तो नहीं लिया गया। इतने में ही गोपाल मंडल का अब बैकफुट पर आना और डिप्टी सीएम के लिए प्यार दिखाना आखिरकार क्या किस तरफ इशारा करता है। पहले आप सुनिए कि नए बयान में गोपाल मंडल ने क्या नया गुल खिलाया है और किस प्रकार से डिप्टी सीएम को लेकर आई लव यू कहा है। हाँ तारकेश्वर बाबू आई लव यू, तारकेश्वर बाबू जहाँ कहीं भाई, आपसे मैं हिंदी में प्यार करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू। ये जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, जिन्होंने डिप्टी सीएम को लेकर के पिछले दिनों एक बड़ा बयान दे दिया था। तभी से बिहार की राजनीति गर्मा गई थी और विपक्षियों को एक मुद्दा भी मिल गया था। जरा आप सुनिए पुराने अपने बयान में किस प्रकार से डिप्टी सीएम को लेकर गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा है। तहसीलदारी करने का काम करता है, तहसीलता है बाजार में बैठ के बनिया बनवा है। उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी, तारकेश्वर जी। ये अचानक से हुए बदलाव से सब हैरत में हैं। आखिरकार गोपाल मंडल का डिप्टी सीएम के लिए प्यार इतना परवान कैसे चढ़ने लगा। बीजेपी लगातार गोपाल मंडल के साथ साथ पार्टी की भी अब विरोध कर रही थी। अब ऐसे में बीजेपी और जदयू की ही आपस में ठन गई थी। हालांकि जदयू की तरफ से तमाम बड़े नेताओं का भी बयान सामने आया और उन्होंने अपने विधायक के ऊपर एक्शन यानी कार्यवाही करने का भरोसा दिया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही तो नहीं हुई गोपाल मंडल का। अब उस टिप्पणी के बाद डिप्टी सीएम पर प्यार उमड़ने लगा है। इस प्यार के पीछे कौन सा राज छुपा है, इस प्यार के पीछे भी बहुत सारे सवाल अब उभरने लगे हैं। ये इन तमाम सवालों का भी अब जवाब तलाशना मीडिया के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अचानक से उमड़ने वाला प्यार यूं ही नहीं सामने आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।